क्वेश्चन फोर, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू दिस. बताइए कैसे करें. हाँ हाँ बोलिए बोलिए, कैसे निकालूँ इसका स्लोप. मतलब मुझे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में इस लाइन को रिड्यूस करना. आपको लॉजिक समझ आ गया ना. वो उसका जनरल फॉर्म है. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन की सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ करेंगे वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. मतलब ये इक्वेशन तो आपको रात को 2 बजे भी कोई उठाए तो भी याद होनी चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो x प्लस 2y इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा. स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. माइनस एक्स माइनस थ्री और y इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स माइनस थ्री बाई टू. जसमीन जी ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगी. ऊँची बोलो, माइनस वन अपॉइंट टू. शांति, तो ये जो है ये इसकी स्लोप है. कोई डाउट है बेटा. अब जैसे ये सारे एक तरह ही के क्वेश्चंस हैं. तो x अपॉन टू माइनस वाई अपॉन थ्री माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो. तो थोड़ी सी आपको अक्ल होनी चाहिए कि किसको आगे पीछे करना है. वो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आनी शुरू हो जाएगी. अब मुझे क्योंकि प्रैक्टिस है तो मुझे पता है कि मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ ताकि मैं अपना y तो पॉजिटिव कर लूँ. उसके बाद मैं क्या लिखूँगा. आप जैसे करना चाहते हैं वैसे करते रहिए. वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही करना है. आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही. मुझे पता है कि मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगता है. हाँ, अगर आप इसको मैनेज कर सकते हैं तो अच्छी बात है. कई बार बच्चे नहीं मैनेज कर सकते, वो फिर अलग किसी मेथड से करना चाहते हैं. मेथड हार्डली मैटर्स. तो ये x माइनस टू माइनस वन, ये वाला जो थ्री था उसने आप थ्री बाई टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई. तो स्लोप क्या हो गया. मुझे डाउट है. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन फोर्थ. फिफ्थ देख लीजिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस. हमें मुद्दे की बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि वो फॉर्मेट में कैसे लिखता है. ये फॉर्मेट में लिखना हम सीखना चाहते हैं. और ये फॉर्मेट में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है. इंटरनेशनल बोर्ड के 8th क्लास के बच्चे, उनको ये टॉपिक 8th में है इंटरनेशनल बोर्ड में, तो वो 8th क्लास के बच्चे करते हैं. तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. तो x प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई अपॉन टू. तो y किसके इक्वल हो गया, 2x प्लस सिक्स. तो बताइए m क्या हो गया, 2. अब यहाँ ये गलती नहीं करनी, आपका आंसर 2 नहीं है, परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर मतलब आप ऐसे ले लीजिए 2 इंटू इसकी जो लाइन, जो स्लोप ऑफ द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू, उसकी स्लोप अगर आप x मानेंगे तो दिस वुड बी इक्वल टू माइनस वन, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स. भाई नहीं समझ में आ रहा. अरे कन्फ्यूज़ हो रहा है तो छोड़ो यार, ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इसको m1 बोल लीजिए, m1 बोल लीजिए. तो हाँ, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस वन. m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू अननोन है जो कि आपको निकालनी है. तो m2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, माइनस हाफ. बेटा डाउट है, जैसे आपको अच्छा लगता है. उसमें ओवरलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. फिर से ये लाइन x अपॉन थ्री माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर. मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं y को पॉजिटिव बना लूं. तो मैंने क्या किया, x अपॉन सिक्स. तो अब इसमें फिर से थोड़ा शाबाश, फिर से अकल होनी चाहिए कि इसमें जो स्लोप है वो 1/6 है. आप समझ रहे हैं भैया, अगर 7th 8th 9th में कुछ मैथ्स किया ही नहीं तो 10th में सरकार बचाई नहीं जा सकती. फिर तो सरकार डूबने वाली है ना. तो ये m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस वन. m1 आपने निकाल लिया 1/6. m2 कौन सा है, जो आंसर आपका है. तो m2 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस सिक्स के. जसमीन जी ठीक है, शांति ओके. इसी के भाई, ये सारे लाइन में भाई हैं. ये फोर्थ फिफ्थ जो सिक्स्थ है सब एक भाई हैं एक दूसरे के. मैं बेसिकली आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जनरल फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में उसको कैसे डाला जाता है. तो ये लाइन है 2x माइनस बी वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो. तो 2x प्लस फाइव इज इक्वल टू बी वाई. तो y जो है वो किसके इक्वल है,
टू बाई बी एक्स प्लस फाइव बाई बी, तो ये एक स्लोप होगी। दूसरी जो लाइन है वो क्या है, ए एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू, थ्री वाई इज इक्वल टू टू माइनस ए एक्स, वाई इज इक्वल टू टू बाई थ्री माइनस ए अपॉन टू ए अपॉन थ्री एक्स। तो इसमें जो स्लोप है वो ये है। जसमीन जी नींद तो नहीं आई? तो अब ये जो दो लाइंस हैं वो पैरेलल है, देखिए लिखा हुआ है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर इन दोनों की जो स्लोप्स हैं दे विल बी इक्वल, तो माइनस ए अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू बाई बी। नहीं समझ में आया जसमीन जी? तो इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, टू बाई बी प्लस ए अपॉन थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये इसका रिलेशनशिप हो गया। हाँ आप कुछ भी कर ले, आप कुछ भी करिए, आपको ऐसा नहीं ऐसा लगता आप ऐसे कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस ए बी इज इक्वल टू सिक्स, तो ए बी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये कर लीजिए। नहीं समझ में आया? वो जो रिलेशन जिस फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे लिख लीजिए, डाउट है? तो ए बी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो करके लिखोगे वो भी आंसर ठीक है। तो ये हो गया, अब फिर से लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग एम एंड एम। फिर से एम एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, तो थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सेवन, वाई इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन थ्री एक्स माइनस सेवन अपॉन थ्री। तो ये मेरा इसका स्लोप है। जो दूसरी लाइन मेरे पास है वो क्या है, फाइव एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू थ्री, फाइव एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एन वाई, तो वाई फाइव बाई एक्स माइनस थ्री अपॉन एन, तो इसकी स्लोप ये है। अब बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स मतलब फाइव अपॉन एन इन टू माइनस एम अपॉन थ्री इज इक्वल टू माइनस वन, ये दोनों माइनस जो हैं ये कैंसिल होने वाले, तो फाइव एम किसके इक्वल होगा, थ्री एन के, ये रिलेशन हो गया। जसमीन जी नहीं समझ में आया भाई, तेरा क्या सीन है? मेरा भी यही है, एम को ऐसा लिख सकते हैं क्या, थ्री एन अपॉन फाइव? हाँ इसको लिखना है, एम को थ्री बाय फाइव एन लिखना है, ऐसे लिख ले। जसमीन जी डाउट क्या आपका, पक्का? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलिए, डाउट है तो मैं समझा देता हूँ, बट द पॉइंट इज आपने सिर्फ ये करना है, ये जो लाइन दी हुई है अब उसमें थोड़ा सा सेट करते टाइम आपको बेसिक अलजेब्रा आपका अच्छा होना चाहिए। वो थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सेवन, तो वाई जो है वो माइनस एम अपॉन थ्री, अब ये जो है ये इसकी स्लोप है, और उसी तरह अब इसको सेट करना आपको आना चाहिए कि कैसे सेट करना। तो ये फाइव अपॉन एन ये इसकी स्लोप है, उसके बाद बिकॉज द लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो इनका जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स है वो माइनस वन के इक्वल होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइव एम जो है वो थ्री एन के इक्वल हो गया। नहीं समझ में आया? बेसिक अलजेब्रा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सेवन्थ एट्थ नाइन्थ में कुछ किया नहीं, अब टेंथ में एकदम आइंस्टाइन बन जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं भाई। समझ आया ना? क्वेश्चन सेवन्थ करना चाहते हैं या हो गया? आई एम सॉरी, करेक्ट है। कोई दूसरा क्वेश्चन कर लें, अच्छा क्वेश्चन कर लीजिए, ये कीजिए क्वेश्चन 16 कीजिए, क्वेश्चन 17 कीजिए, ये अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 कीजिए। ये तो सिंपल वाले क्वेश्चन थे, ये 4, 5, 6 सिंपल थे, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है।